जनता भी सारी प्रक्रिया में जुड़े और विद्यार्थियों को भी इस विषय पर जुड़ने के लिए हम लोगों ने एजुकेशन मंत्रालय के जरिए हमने उस कोशिश में लगे हुए हैं। और क्योंकि नई पीढ़ी आज योगा को बढ़ावा देने के लिए अगर वो निष्ठापूर्वक शामिल हो जाए तो वो भी भविष्य में मानव समाज को निरोगी रखने के लिए, सुशासन रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। क्योंकि ये हमारे जीवन में एक सरल और एक समृद्धि और साथ साथ में आनंदित जीवन हासिल करने के लिए अगर हर व्यक्ति इस प्रक्रिया में जुड़े तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा एक मानव समाज बनेगा जहां शांति होगा, जहां सुस्वास्थ्य होगा और जहां लोग हमेशा निरोगी रहेंगे। तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक महत्वपूर्ण अपने सोच लेकर ही यूएनओ में प्रस्ताव रखा था और यूएनओ ने भी, दुनिया के मानव समाज ने भी, हर देश ने भी इसको बहुत श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया है। तो ये हमारे मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि आप सब अगर निश्चित रूप से सहयोग करेंगे तो हमारी इस कार्यक्रम को हम सफल बनाने में निश्चित रूप से काबिल रहेंगे। और ये जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि दुनिया में अलग अलग समय पे अलग अलग मतलब टाइम में सूर्योदय होती है, उसी हिसाब से हम लोगों ने भी तय किया है कि ये जो कार्यक्रम गार्जियन रिंग्स रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होंगे जापान से शुरू होगा और न्यूजीलैंड में इसका मतलब ये होंगे एंड होंगे। तो उसी हिसाब से सारे विश्व को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम लगे हुए हैं और कुल मिला के दुनिया की 170 देश इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उनको हम मैसूर में फाइनल इवेंट मास योगा डेमोंस्ट्रेशन होंगे जिसपे हमारे देश के आदर्शवादी नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व देंगे और उसी हिसाब से देश के अलग अलग प्रांतों में 75 आइकॉनिक लोकेशन में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा और सारे प्रक्रिया में हर मंत्रालय शामिल होंगे और हर मंत्रालय भी अपने विभाग अपने अलग अलग संस्थाओं के जरिए उसी दिन 75 लोकेशन में वो भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे। तो हम लोगों ने इस विषय को बढ़ावा देने के लिए देश की हर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अपने अपने प्रदेश में 75 लोकेशन में वो भी तैयारी करें और उसी हिसाब से हमारे सारे माननीय संसदगण को भी हम लोगों ने लिखी है, रिक्वेस्ट की है ताकि अपने क्षेत्र में 75 लोकेशन में वो भी जनता के सहयोग से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाए। कुल मिला के हमारी लक्ष्य है देश और विदेश में अलग अलग स्थानों पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे मानना है कि जैसे इसके 7 एडिशन के अंदर जो हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने सेट किए हैं और इस बार भी हमारा लक्ष्य है कुल मिला के 25 करोड़ जनता इस सारी प्रक्रिया में जुड़े। 75 ये जो काउंटडाउन देश की मतलब हमारे प्रोग्राम से कुल मिला के सारे प्रक्रिया में सारे प्रोग्राम में 25 करोड़ जनता जुड़ जाए, इसी लक्ष्य को हमने सामने रखकर सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो मुझे मानना है कि आप लोगों का सहयोग से निश्चित रूप से देश और विदेश में हमारे जो भी हिंदुस्तानी भाई बसे हुए हैं सब इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। डे ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए सब लोगों ने पिछले आप लोगों ने देखा है जब से हम लोगों ने
75 डेज का काउंटडाउन शुरू किया रेड फोर्ट से लास्ट 7th of April, तब से हर मंत्रालय अलग अलग सेक्टर पर अपनी मंत्रालय का दिन में बचे हुए आइकॉनिक लोकेशन उन्होंने योगा को बढ़ावा देने के लिए प्रैक्टिस करते आए। तो हमने रेड फोर्ट के बाद जब 50 दिन के लिए हम लोगों ने शिव सागर असम आइकॉनिक डिस्ट्रिक्ट शिवडोल के पास में भी लोगों के सहयोग से योगा उत्सव मनाया और अब अगली 27 तारीख हैदराबाद में भी 25 दिन रह जाएगा फाइनल इवेंट के लिए, उसका भी हम लोग वहां मनाने जा रहा है। तो योग आयुष मंत्रालय के साथ साथ कल्चरल और टूरिज्म मंत्रालय भी इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। तो 10,000 लोगों का सहयोग से अगली 27 तारीख को हैदराबाद में भी योग उत्सव हम मनाएंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि योग के जरिए मानव समाज निरोग रहा है, इसके मकसद को लेकर ही आज योग साइंस को जिस हिसाब से मानवता की हितों के लिए आज मानव समाज विशेष रूप से मान्यता दी है, इसकी वजह से आज योग का जो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रहा है और इनकी जो रेलिवेंस अपने डे टू डे लाइफ का जीवन पद्धति में कितना महत्वपूर्ण है, इस बातों को भी आज मानव समाज विशेष रूप से महसूस किया है।